अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंटीरो टॉक्सीमिया के बारे में ये आंतनी को जहर है ये बीमारी खासकर भेड़ों और बकरियों में होती है इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो क्लॉस्ट्रीडियम रेडियम होता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये मुख्तफ़ किस्म की टॉक्सिन पैदा करता है जिसमें अल्फा बीटा कैपा लैमडा वगैरह शामिल हैं इसकी इकसाम है जो ऐसी लेकर एफ तक होती हैं ये भेड़ों और बकरियों की बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है ये आंतड़ियों ये जो बैक्टीरिया होता है ना ये आंतड़ियों में जहर पैदा करता है इसकी जो मुख्तलिफ अकसाम है वो हम आपको बताने जा रहे हैं जिसमें टाइप ए है ये गाय और भेड़ों में यरकान पैदा करता है साँस जानवर को सांस लेने में तो होती है नाक मुंह से खूनी जाग निकलने लगती है मुँह की जो रंगत है ना वो जर्द हो जाती है जो टाइप बी है ये ख़ास कर जो भीड़ों के बच्चे उनमें होती है पेचस होना पेट में दर्द होना इसमें जो कुछ जानवर ऐसे होते हैं बच्चे उनकी अचानक मौत वाक्य हो जाती है और जो टाइप सी है इसका जो होती है वो ज़्यादातर शीप गोट और गाय में होती है वैसे तो ये छोटे जानवरों में बहुत ज़्यादा देखी गई है लेकिन बड़े जानवरों में भी इसके केस आ जाते हैं इसमें जानवर की अचानक मौत भी हो सकती है फिर आगे है टाइप डी इसमें शीप गोट और काओ शामिल हैं इसमें उन जानवरों को ना गुर्दे नरम पड़ जाते हैं जो अमतें हैं इसकी उसमें हाई फीवर पेशाब के अंदर खून आना जिसम फूल जाना वगैरह शामिल है और आगे हम आपको बताएंगे टाइप ई के बारे में ये ख़ास कार इंसानों में होती है इंसानों की जो आंत में होती हैं उसमें सूजन वगैरह हो जाती है और इसके साथ दस्त भी लग जाते हैं तो ये टाइप इंसानों के लिए ख़तरनाक है तो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में इसमें खासकर आपने लिक्विड पैराफिन और केयलिन जो पाउडर है वो आपने जानवर को जरूर देना है ताकि जो जानवर के जिसम के अंदर जहर है वो इस तो ये पाउडर जो है ना दोनों एक पाउडर है एक लिक्विड है ये जानवर के जहर को जजब कर लेते हैं और जो जहर है वो अंतरियों में जज़ब होने से भी बचाते हैं और आपने इंजेक्शन साथ में पेंसिलीन लगाना है डेक्सट्रोज देनी है बी कम्प्लेक्स और साथ में जो इसके अलामती इलाज है वो करना है ये देखें कुछ आप हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं इसमें ये देखें जानवर की डेथ हो गई है और आगे एक भेड़ है उसकी भी डेथ हो गई थी ये हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं ताकि आप इनसे कुछ आपको पता चल सके कि ये वाकई इंटीरोटॉक्सीमिया की बीमारी थी ये देखें आगे एक भेड़ है इसके मुंह से झाग निकल रही है तो ये भी इस बीमारी की अमामत है आपने इस पे भी गौर करना है खासकर ताकि आपको पता चल सके कि वाकई ये इंटीरो की बीमारी है और आगे हम आपको दिखा रहे हैं आंतड़ियाँ ये अंतड़ियाँ ब्लैक हो गई हैं ये जानवर को पोस्टमार्टम करने के बाद पता चला है कि एंटीराटॉक्सीम के अंदर जानवर की में वो ब्लैक हो जाती हैं जो दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं मेरे चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब करना है ब्लैकन पे आल पे आपने टिक लगाना है तो आपके लिए ये सिर्फ चंद सेकंड का काम है चैनल को सब्सक्राइब कर दें थैंक्स फॉर वाचिंग